फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09/105 को देखेंगे। और 09/105 में हम क्या कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1। आज हमें देखना है लेसन नंबर 3, यानी आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और कल आपको लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करा दें, आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो क्या है, आपके क्वेश्चन बैंक के तो रूप में आपको क्वेश्चन के लिखवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आपका तैयार होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, फ्री में अपने आप अपने हाथों से क्वेश्चन बैंक को बनाना है, जिससे कहीं ना कहीं आप क्या कर सको, अपनी तैयारी को खुद कर सको। जब आप एक बार लिखोगे क्वेश्चनों को, एक तरह से खुद अपने हाथों से लिखोगे, तो आपको याद भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी आपको फिर बस लास्ट बार आप क्या करो, एग्ज़ाम में एक बार पढ़ लो और आप एग्ज़ाम दे सकते हो आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर भी आने की। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, PDF या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। नहीं तो अन्यथा कोई भी व्यर्थ इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, चाहे आपका टेलीग्राम सुना पड़ा रहे, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है, देखो स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि एक चौकन्ने वाली लाइफ होती है, क्यों, उसे क्या है, अपने भविष्य के का ध्यान रखना पड़ता है। और भविष्य के ध्यान रखना पड़ने वाली बात आती है अगर हम उसे क्या है, उल्टी सीधी न्यूज़ डाल दें कि आज ये पेपर का कटिंग आया, आज ये पेपर का कटिंग आया, तो बच्चा क्या है, एकदम देखेगा कि यार कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, मेरे कोई जान इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, कोई मेरे एक तरह से आगे आने वाले काम की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो एक तरह से उस तरह से गुमराह करना अच्छी बात नहीं है किसी को, अपने टेलीग्राम या अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं उस चीज़ को कभी भी करता नहीं। जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी कुछ भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ही इसलिए बनाया गया है कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो आपकी उस पर डाल दी जाए, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर चलते हैं। आज का चैप्टर क्या है, यानी कि आज है यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 3, और चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, आपका इन्फ्लिपनेट, इरनेट और आपका डिलनेट। देखो कहने को तो ये कुछ नहीं है, पर ये जो तीनों टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में तो शॉर्ट में मिल सकते हैं, पर आपके लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में, लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में और लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, किससे संबंधित है, ठीक है, नेटवर्कों के बारे में, यानी इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, पुस्तकालय नेटवर्क। अब आपने क्या पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया जी, क्या पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा। आपको सबको पता चलेगा कि कंप्यूटर का नेटवर्क, यानी कि एक तरह से जिस तरह से मकड़ी का जाल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्क है। यानी कि ये कि आपने ट्री पढ़ा, बस टोपोलॉजी पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ ली, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब यहाँ पर आती है बात, भाई हमने उस कंप्यूटर के नेटवर्क की तो बात कर ली, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो कहीं ना कहीं हमें तो अपनी लाइब्रेरी के नेटवर्क की बात करनी है। भाई हमें अपने क्या करनी है, नेटवर्क की, किसकी बात करनी है, लाइब्रेरी के नेटवर्क की। अब लाइब्रेरी के नेटवर्क की बात अगर आप करते हो तो आप ये समझिए, जैसे आपका क्या है, आप एक वंशावली को समझिए सीधे सीधे, ठीक है, आप क्या है, एक वंशावली को समझिए, फिर हम उससे और छोटा एग्जांपल लेंगे।
आपके वंशावली में जैसे आपके ये मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब ये जो है ये ए के पिता के चार बच्चे हैं, यानी कि डी, यानी कि ये आपके पापा हैं, ये आपके ताऊजी हैं, ये दोनों चाचा हैं, समझिए से, ठीक है। अब इन तीनों का यानी कि आपके दादाजी का एक क्या है, बहुत बड़ा खेत है या बहुत बड़ा कारोबार है, या फिर एक तरह से मान के चलिए बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री ले लेते हैं, कारोबार ले लेते हैं, किसी नाम से ट्रेड है, या फिर किसी कोई भी फैक्ट्री ले लेते, चलिए फैक्ट्री ले लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड फैक्ट्री है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड फैक्ट्री है तो क्या है, एक्स वाई जेड फैक्ट्री है, ये चार भाई हैं, क्या है, ये चार भाई हैं, इन्होंने दिल्ली में दुकान खोली थी जब अपने ज़माने में अकेले, ठीक है, अकेले खोली, फिर इनके हुए चार बच्चे हुए तो चारों बच्चों ने क्या करा, यानी इन्होंने क्या करा, अपने जो बिजनेस है दिल्ली से कह दिया भाई तू उत्तर प्रदेश में खोल ले, फिर इनका क्या करा, तो क्या करा, यानी कि तू कहीं और खोल ले, मान ली जे इन्हें क्या करा, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश बिहार में खोल लिया, आपका MP में खोल लिया, आपका पंजाब में खोल लिया, ठीक है, मान लीजिए एक ने UP में खोल लिया, एक ने बिहार में खोल लिया, एक ने MP में खोल लिया बिजनेस, और एक ने पंजाब में खोल लिया, ठीक है। मतलब एक यूनिट की क्या हो गई, चार फ्रेंचाइजी हो गई, एक किसी चीज की कंपनी की चार क्या है, ब्रांच हो गई या फ्रेंचाइजी हो गई। अब क्या है, यानी कि हेड आपका क्या है, हेड ऑफिस जैसे आपने देखा होगा, मेन ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है, इसका कहाँ पर है, मेन ऑफिस क्या है, दिल्ली में है। अब यहाँ से क्या है, सारे क्या है, ये सारे जो फ्रेंचाइजी है, जो सामान है, वो चलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो नेटवर्क, यानी इन चारों का नेटवर्क यहाँ पर क्या है, ये चारों का नेटवर्क, मान लीजिए चारों भाई एक साथ दिल्ली में ही रहते हैं, पर अपने जो छोटे यानी कि इनके बच्चे हैं, अब इन्होंने बड़े हो गए और इनको यहाँ बैठा दिया चारों को। अब चारों को नेटवर्क के तौर पर, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि अब इसके पास भी कंपनी से 100% माल आ रहा है, इसके पास से भी 100% माल आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरह से नेटवर्क के बदौलत क्या है, कनेक्ट है। अब कनेक्ट किससे है, नेटवर्क से, ठीक है। ऐसी हमारी लाइब्रेरी है, यानी कि ये तो कहीं ना कहीं कनेक्ट है। हमारी लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे मान के चलिए आप सीधे सीधे एक छोटा सा एग्जांपल, जो मैं और भी आसानी से आपको अब लाइब्रेरी के नेटवर्क के बारे में, ये तो थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में समझिए भाई, वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। अब आती है, आप क्या हो, लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी, DSSB लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, DSSB लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो। ये आपका दिल्ली, मान के चलिए छोटा सा क्या है, दिल्ली है, दिल्ली NCR जिसे कहते हैं, दिल्ली NCR है, ठीक है। अब दिल्ली NCR में मान के चलिए 100 स्कूल है, क्या है, 100 स्कूल है। अब 100 स्कूलों के जो लाइब्रेरी के पद हैं, वो क्या करे, पता चला 100 स्कूलों में से क्या है, एक स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है ज़्यादातर, तो क्या है 200 क्या है, यानी कि 180, यानी कि मान के चलिए 180 वैकेंसी, इनका कहना है कि 180 वैकेंसी है लाइब्रेरी की, वो खाली है, आ गई। अब 180 वैकेंसी है, पता कैसे चला, क्योंकि सब ने क्या है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, सब कहाँ से कनेक्ट है, DSSB से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, सभी स्कूल वालों ने DSSB को मेल भेजा या फिर कुछ बता दिया कि जी हमारे यहाँ लाइब्रेरी के पद खाली हैं, तो क्या हुआ, सभी की सूचना कहाँ गई, यहाँ पर गई, सभी की सूचना कहाँ पर गई, यहाँ पर गई, तो किसके बदौलत गई, नेटवर्क की बदौलत गई, ठीक है, आ गई। अब सूचना के बदौलत क्या हुआ, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, पदों को भरा गया, 180 बच्चे जो थे वो सब जगह सेलेक्ट हो गए,
180 बच्चे आ गए। ठीक है, अब 180 बच्चों की कहानी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम लाइब्रेरी में। अब 180 जो क्या है, यानी कि 200 जो लाइब्रेरी हैं, अब 200 लाइब्रेरी में से ये मान के चलिए, 200 लाइब्रेरी मान के चलते हैं हम, क्या है 200 लाइब्रेरी हैं DSSSB में, 200 क्या 100 ही मान के चलेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी के बारे में अलग कौन, चलो 200 ही मान लेते हैं, हमें तो एग्जांपल लेके चलना है, 200 लाइब्रेरी हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से हमारे 200 लाइब्रेरी। अब मान लीजिए नंबर 1 लाइब्रेरी को क्या हुआ, कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ी, तो क्या हुआ, एक ने कहा कि भाई दोस्त को कॉन्टेक्ट करा कि भाई मेरे को, मेरे पाठक को लाइब्रेरी साइंस की किताब, ये किताब चाहिए, या फिर आपके GK की किताब चाहिए, या क्या है रिफ्रेशर की चाहिए। कहने लगा जी नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, मान लो आपको क्या है किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने रिश्तेदार को फ़ोन करते हो। यानी कि जैसे अभी क्या बात हो रही थी, यहाँ पर क्या था, यूपी वाले ने क्या करा, भाई यूपी वाले ने कहा कि ऐसा है मुझे अर्जेंट पेमेंट चाहिए, मुझे क्या है सामान मंगाना है, तो क्या करा, बी वाले को फ़ोन करा, सी वाले को फ़ोन करा, डी वाले को, भाई बी वाले ने कह दिया अभी मैंने तो माल खरीदा है, डी वाले, सी वाले ने भी ये कह दिया, डी वाले कहने लगा कि मेरे पास पेमेंट आई है, चलो मैं सेंड कर देता हूँ, तो ये क्या करा, इसने सेंड करा, तो किस बदौलत करा, ये नेटवर्क की बदौलत, किसकी बदौलत करा, नेटवर्क की बदौलत। ऐसे ही हमारा क्या है, लाइब्रेरी का नेटवर्क है। लाइब्रेरी का नेटवर्क क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हम। और जैसे आप क्या मान के चलिए, आप दिल्ली में बैठे हो, आप दिल्ली की लाइब्रेरी से जुड़े हुए हो, क्या है आप मान लीजिए दिल्ली के स्कूल में लाइब्रेरियन हो, मैं क्या है यहाँ पर कॉलेज में लाइब्रेरियन हूँ, आपको क्या हुआ, मेरी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, मान लीजिए कि सर आपकी, या मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सर आपको यहाँ मेरे को क्या है कोई मिल नहीं पा रहा, और क्या है कॉलेज में इंस्पेक्शन है, कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ सकता है, या लाइब्रेरी में क्या है मुझे क्या है वर्क करवाना है, या फिर लाइब्रेरी मेरी मदद कर सकता है, तो क्या है बहुत सारे क्या है जो यूनिटी, जैसे कहते हैं ना एक तरह से यूनियन, इसी तरह से हमारी क्या है लाइब्रेरी की नेटवर्क होता है, जैसे क्या है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं आपका पुस्तकालय नेटवर्क के तौर पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि सीधे सीधे वही बात मान के चलो कि आपको क्या हुआ, एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, यानी XYZ कुछ भी ज़रूरत पड़ा, मान लीजिए आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए 200 रुपये की ज़रूरत पड़ी, और आप कहने लगे यार मेरे तो आज एक खाली है, हेलो हाँ क्या भाई, कहना मेरे को 100 रुपये सेंड कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगा भाई मेरे पास तो नहीं है, ये दूसरे से पता करा, तो किस बदौलत, क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा है, किसकी बदौलत, आपका नेटवर्क सही है। अगर नेटवर्क सही ना हो, फ़ोन का नेटवर्क नहीं, आपका नेटवर्क, आपके संबंधों का नेटवर्क, आपके संबंधों का नेटवर्क अच्छा है, तभी आप उसके बदौलत क्या कर रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, समझ गए पुस्तकालय नेटवर्क। तो पुस्तकालय नेटवर्क क्या है, पुस्तकालय नेटवर्क एक तरह का वह जाल है जिसकी बदौलत क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय के समस्त मेंबर अब पुस्तकालय के संसाधनों को हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं साझा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इन सारी चीज़ों से कर सकते हैं। अब आती है आगे एक कहानी आपके पुस्तकालय नेटवर्क में, आपकी आती है 1975 वाली कहानी। क्या आया था, राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय कार्यक्रम दस्तावेज की टाइम पर, राष्ट्रीय कार्यक्रम दस्तावेज। ठीक है, इसमें क्या आया था, इसमें ये था कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई थी। कहता है कि दो या दो से अधिक पुस्तकालय या अन्य संगठन के कुछ कार्यात्मक उद्देश्य के लिए संचार माध्यम से जानकारी आदान प्रदान एक आम पोर्टल से एक दूसरे से जोड़े रहती है। भाई हम क्या करते हैं, भाई आपका क्या है नेटवर्क क्या है लेके चल रहे हैं, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अब नेटवर्क क्या है, आपको क्या है एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, यानी कि जैसे क्या है आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका क्या है
जो ग्रुप है या फिर आपका है एक दूसरे से जुड़े हो, किसके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इसी तरह से हमारा क्या है, पुस्तकालय का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप बिलीव कर रहे हो, ठीक है भाई, बिलीव आज क्या कर रहे हो, कर रहे हो, मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी दोस्ती क्या है, सभी से क्या है, जितने भी आपके मेंबर हैं चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, एक तरह से बना के रखिए। क्यों क्यों बना के रखिए, क्योंकि एक तो लाइब्रेरी के नोट्स मिलना मुश्किल होता है, दूसरा लाइब्रेरी में हमारे यूनिटी की कमी है, तीसरा क्या है, हमें क्या है लाइब्रेरी नेटवर्क की दौलत ही हम काम कर सकते हैं। मान के चलिए एक क्या है, एक व्यक्ति यानी कि ए व्यक्ति को लाइब्रेरी पढ़ने के बाद बी व्यक्ति की जरूरत पड़ने लगी, या फिर सी व्यक्ति, मान के चलिए ए व्यक्ति क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया और उसकी जॉब लग गई एमपी में लग गई। अब एमपी में उसे पता है कि सी व्यक्ति या डी व्यक्ति एमपी के आसपास का ही रहने वाला था, उसने हमारे साथ क्या करी थी, बिलीव करी थी। तो क्या हुआ, सी या डी व्यक्ति को आपने फ़ोन करा, भाई ऐसा ऐसा है मेरी जॉब लगी है, तो यार मुझे कहना ये बता दे कि कहीं मैं रुक सकूँ। वो कहने लगा तो बाहर क्यों रुकेगा, मेरे घर पे रुक जाइए तू। तो किस बदौलत हुआ, क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा है। फिर उससे क्या पता चला कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि क्या मेरी यहाँ सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे इस स्कूल में। कहने लगा ठीक है भाई, ये स्कूल ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारे जानने वाले हैं। किसकी बदौलत हुआ, नेटवर्क की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसी बदौलत हम क्या करते हैं, यानी कि जब हमारे संबंध अच्छे होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, नेटवर्क। अब संबंध यानी नेटवर्क की आपको क्या ब्रेकेज की बात की बताता हूँ। मान लीजिए आपका क्या ए बी सी डी, ए और सी की लड़ाई हो रही है, ठीक है, ए और सी क्या है लड़ाई हो रही है, ए के को क्या है संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइब्रेरी में संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, बी के पास नहीं है, सी के पास ही वो संसाधन है, डी के पास भी नहीं है, ठीक है। अब ए ने कहा, बी को फ़ोन किया कि भाई ये मुझे चाहिए, कहने लगा मेरे पास तो है नहीं, सी के पास पता करता हूँ, सी या डी के पास पता करता हूँ। इसने सी को फ़ोन किया, डी को फ़ोन किया, डी ने कह दिया जी मेरे पास है नहीं, सी ने कह दिया हाँ मेरे पास है, सी कहने लगा कि ए को जरूरत है, कहने लगा मैं नहीं दूंगा उससे, वो कहना कल मुझे इस उल्टा सीधा कह रहा था, ये कह रहा था, वो कह रहा था, लड़ाई हो रही है, मैं तो दूंगा नहीं। कहने लगा भाई दे दे, कह नहीं। तो क्या है यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से क्लैश हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपको संचार का भी, संचार माध्यम में या पुस्तकालय नेटवर्क में सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको। यानी कि अब आपको बिल्कुल ब्रीफली कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या है पुस्तकालय नेटवर्क, पुस्तकालय नेटवर्क वही तो है भाई जो हम एक दूसरे के क्या है जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब पुस्तकालय नेटवर्क के क्या हैं, आपको उद्देश्य पता होने चाहिए, क्या पता होना चाहिए, उद्देश्य, पुस्तकालय नेटवर्क के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। पुस्तकालय नेटवर्क के उद्देश्य क्या है, देखो पुस्तकालय नेटवर्क क्या करता है, पुस्तकालय कार्य में मानकों को अपनाने को बढ़ावा देता है, क्या करता है वो, क्या करता है मानकों को जो है उसको बढ़ावा देता है। दूसरा क्या करता है, एक जो विषय यानी कि परियोजनाएँ, विशेषज्ञ है, संस्थान है, सूचनाओं का आदान प्रदान है और डाटाबेस को बनाने में मदद करता है। फिर क्या करता है, जानकारी और दस्तावेजों को आदान प्रदान का बढ़ावा देता है, ठीक है, यही उसका उद्देश्य होता है। फिर क्या है, अन्य क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ हमारे एक तरह से संबंधों को बेहतर करता है। फिर क्या, लास्ट क्या है आपका, जो यानी उत्पत्ति है और मौजूदा सेवा को सुविधा प्रदान करने के लिए और कहीं ना कहीं नेटवर्क को विकसित करने के लिए इस पुस्तकालय नेटवर्क का होना आवश्यक है, या पुस्तकालय के विकास में पुस्तकालय का नेटवर्क होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं भारतीय पुस्तकालय नेटवर्क के विकास के बारे में। भारत में पुस्तकालय नेटवर्क
का विकास। ठीक है, अब भारत में पुस्तकालय नेटवर्क की बात आती है। तो देखो, पुस्तकालय नेटवर्क पुराने समय से ही चलता आ रहा है। ठीक है, रंगनाथन जी आज़ादी से पहले का आपको देखने के लिए मिलता है। जब हमारे गए आप 1910 में बड़ोदरा लाइब्रेरी, और फिर उसके बाद 1953 में वैज्ञानिक नीति की बात आई, और पुस्तकालय नेटवर्क के विकास में पिछली 4 दशकों से, और कहीं ना कहीं आपको 4 दशकों से क्या मान के चलते हैं, जब से अंग्रेज आए हैं, और उससे पहले से अंग्रेज आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कर लिया है और हमें वो दिखने लगी है। पहले जो हमारी लाइब्रेरी थी, जैसे आपके नालंदा विश्वविद्यालय हैं और जो कहीं ना कहीं बहुत तक्षशिला की विश्वविद्यालय हैं, पुरानी बाहर से लोग क्यों आते थे पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्रोत थी, जो सूचनाएं थी, जानकारी थी, वो यहाँ की जानकारी वैलिड जानकारी थी। ठीक है भाई, बहुत से बुद्धिजीवी आज के टाइम पर ये कहते हैं कि क्या है, अंग्रेज़ों की बदौलत हम क्या है, वेल डेवलप हैं। अच्छा जी, ये बात चलो मान ली हमने थोड़ी बहुत, पर जो आपके आक्रमणकारियों ने जो पुराने जो विश्वविद्यालय जलाए हैं, स्कूलिंग जलाई है, तो जब शुरू ही यहाँ से हुई है स्कूलिंग, जब स्कूलिंग और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की बात आई थी, जब पूरे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय थे ही नहीं, तब यहाँ लोग पढ़ने आते थे, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो हम उस चीज़ में एक तरह से विवादात्मक विषय हो जाएगा और बहुत सारे क्या हैं उसके तर्क और वितर्क हो जाएंगे। ठीक है, जब सबको बताए, जैसे क्या है जो चीज़ें पता हैं और उसमें क्या है, फिर सामने आ लगा नहीं ये है वो है, और आज भी देखो आज क्यों डेवलप नहीं हो हमारे, आपने देखा होगा कि हमारा जो पहले का जो यूथ था वो क्या करता था, वो उसे कहीं ना कहीं एक तरह से फिजिकली जो है खेल पसंद थे, और आज क्या है फ़ोन में लगे रहते हैं, इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का प्रभाव है। ठीक है, आप उस चीज़ को समझिए जहाँ पर क्या है हमें सर्वाइव करना है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, उसे चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आती है बात, आती है आपको मैंने पढ़ाया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो रंगनाथन की रिपोर्ट आई थी, वो कब आई थी आपको याद होगी, 65 की बात आई थी, यानी कि 1965 में क्या हुआ था, जो विश्वविद्यालय यानी कि UGC में रंगनाथन रिपोर्ट की बात आई थी। ठीक है, फिर आई थी तो जो पीटर पेजर रिपोर्ट के, और कहीं ना कहीं 1997 की बात आई, 1972 और 80 के दशक में सूचना के बारे में, यानी सूचना प्रसार संगठन हेतु काफ़ी प्रयास करे गए थे। फिर आपका आ जाता है 1983 में प्रौद्योगिक नीति के बारे में आया था, यानी प्रौद्योगिक सूचना आधारित नीति आई थी। फिर इसके बाद चलते चलते आपके आ जाते हैं 1984 में, जहाँ पर क्या हुआ था, डॉक्टर एन सी गिरी की अध्यक्षता में क्या करा गया, योजना आयोग का कार्य यानी समूह में सरकार की 7वीं योजना आई थी, जिसका कब से कब तक था, 1950 से 1995 तक, यानी कि ये मान के चलिए 1995 तक हुआ था, जिसके बहुत सारे बच्चे उस टाइम के होंगे भी, 95 90। तो इसमें क्या हुआ था, पुस्तकालय सेवा और सूचना की आधुनिकरण की ज़रूरतों की सिफारिश करी गई थी, किसकी करी गई थी, पुस्तकालय में, और जो भी बच्चा UGC नेट के प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो मात्र 100 रुपये में हमसे ले सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखें, लिंक आप यानी कि जैसे आप पेमेंट करो, आप व्हाट्सअप नंबर पर स्लिप भेज दे करो, बहुत सारे बच्चे क्या है उन्हें पता नहीं होता, तो और या फिर रिक्वेस्ट लिंक आता है तो रिक्वेस्ट लिंक को आप वहाँ पर भेज दीजिए, फिर क्या है यहाँ पर वेरीफाई होगी तो आपकी तब भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सअप नंबर पर क्या है पेमेंट की स्लिप भेज दीजिए, रिक्वेस्ट लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसे एक्टिवेट करते हैं आपकी गूगल ड्राइव पर आपकी बुक पहुंच जाएगी। चलिए तो चलते हैं। ठीक है, क्या आया, यानी कि इसके टाइम पर क्या हुआ, आधुनिक यानी पुस्तकालय सूचना की आधुनिकरण की सिफारिश हुई। अब आधुनिकरण की सिफारिश हो गई तो कहीं ना कहीं इसके महत्वपूर्ण प्रभाव भी देखने के लिए मिले। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये सबको पता है, 19
86 में, ठीक है, 92 में उसका क्या हुआ, एक तरह से रिनोवेशन हुआ और अब चल रहे 2020 NP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है। अब हम क्या है, शिक्षा के दौर में चल रहे हैं, शिक्षा के दौर में हमें क्या करना है, शिक्षा के दौर नहीं, हमें पुस्तकालय से मतलब है भाई, पुस्तकालय में शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा पुस्तकालय सेवा के 10 एक तरह से सुधार की वकालत करी गई। अब वकालत करते 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 85-86 इस तरह से आई, फिर आपके संस्कृति विरासत की बात की गई, आपके बहुत सारी चीज़ें की बात करी। 92 में डिलनेट के द्वारा संशोधन, यानी कि डिलनेट द्वारा संशोधित किया गया, यानी कि इस तरह से चलते चलते आपके सारे के सारे कार्यक्रम को लेके जाया गया। पुस्तकालय सोसाइटी की बात करी गई, डिलीवरी यानी कि डिलीवरी एक्ट की बात करी गई, आपके जो सारे के सारे नेटवर्क को, जो आपका पत्रकारिता नेटवर्क था, संसाधनों के साझा करने की बात थी पुस्तकालय में, जो दशकों से कमी थी, देखो सीधी बातें मान के चलो, दशकों से हमारे लाइब्रेरी सिस्टम में कमी थी, आज भी कमी है, क्या है, आज भी कमी ही है, उसको क्या करा गया, बेहतर करा गया, ठीक है, ये मान के चलिए बेहतर करा गया। और 2000 तक आपके क्या है, जब 2000 में आपका ये IT एक्ट और ये सारे आए हैं, और कहीं ना कहीं पुस्तकालय में आधुनिकरण का जो दौर माना जाता है वो 2000 के बाद से ही माना जाता है, सीधे सीधे मान के चलो। और 2000 के बाद से भी, मैं तो 2000 के बाद से भी नहीं कहूँगा, 2000 के अभी कुछ सालों से, जब से आपका सीधे सीधे मान के चलो हर घर में कंप्यूटर आया है, आपका हर घर में क्या है, सूचना के लिए फ़ोन आया है, तब से क्या है, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का एक अच्छा विकास मान रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत मान के चलिए 50% आपका विकास इसकी बदौलत हो रहा है, ठीक है, ये मान के चलिए। जब आप जियो, यानी कि जियो जब से आया है ना, तब से मान लो बस पूरी तरह से विकास होना शुरू हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और ना आपको पता है, आप पढ़ेंगे इन्फ्लिम नेट के बारे में, यानी इसके बाद हमें पढ़ना है इन्फ्लिम नेट कब आया, इन्फ्लिम नेट कहाँ से आया, किस तरह से आया, इन्फ्लिम नेट का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि आपके क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, और आपको बहुत सी जगह उसका क्या है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के तौर पर भी देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।